हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। राम राम जी। और आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी है ना, लंबी हो जाती है वीडियो, तो फिर अगले वीडियो में ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी वीडियो। तो यहाँ पे अभी मैं ना लगा रही हूँ उपले। जी हाँ, मुझे थोड़े से उपले लगाने थे जो मैंने पहले पात के रखे हुए थे, वो सूख गए थे। उधर टीन पे पड़े हुए थे, सीमेंट की चादरों पे पड़े हुए थे, सॉरी। तो वो फिर उधर सामान वामान लगा देते हैं ट्रैक्टर का, या फिर फूट जाएंगे। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, जो भी है इनको खुर में लगा दूँ। तो घर में ईंधन है ना, सबसे होना ज़रूरी होता है। टूट फूटे बासन टूटी खाट अशुभ माने जाते हैं, और ईंधन ना हो वो भी अशुभ माना जाता है। तो ईंधन के बिना है ना घर घर नहीं लगता, ये तो बात है। अगर गाय ना हो पशु ना हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे, जैसा भी है खूंटा खाली लगता है। और यहाँ पे ना फिर से घास इतना उग गया है कि बताओ, फिर से फावड़ा चलाऊँ कहाँ तक करूँ। अभी तो मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही है, मुझसे नहीं होगा अभी इतना सारा। अभी ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ टाइम के बाद देखते हैं किसी को लगा के इसको साफ़ करवा दूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इधर लगा रही थी झाड़ू, यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं आम के, पतझड़ हो रहा है। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, झाड़ू ही लगा देते हैं, पत्ते इकट्ठा करके है ना यहीं पर, फिर इनमें आग लगा देंगे, जला देंगे इनको। कम से कम झाड़ू लग जाए तो थोड़ा ठीक सा लगता है, वरना अजीब लगता है बहुत, मतलब बुरा लगता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी, हमारे बस से बाहर हो रही है बातें। नहीं तो हमारा बस चले ना तो घर को बिल्कुल ऐसा रखे कि कहीं भी कुछ ना पाए। अगर सारा परिवार मिलके साथ दे, साफ सफाई कराए तो बहुत अच्छा हो जाए, वरना किसी को लगा के 1000-2000 रुपये लेगा। यहाँ पे साफ सारा साफ करा भी दे तो फिर टावर में फिर से घास हो जाता है। अब ये यहाँ पक्का भी नहीं है, कुछ नहीं है। बरामदे को लेके एक कमेंट आया था कि दीदी आप है ना इसमें ईंटी बिछा के सीमेंट का घोल वगैरह डाल लो। हाँ सोचते ऐसा ही कुछ रहे हैं, रसोई में भी सोच रहे हैं, बाकी अभी समय बताएगा, एकदम नहीं हो पाएगा। पहले और काम जरूरी है वे कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। सोच रही हूँ कि किचन में भी ऐसा ही कर लें, कभी सोचते हैं कि टाइल वगैरह लगा लेंगे आप लोगों। एक कमेंट किया था, बोला था कि कमरा तो लॉक करके जाना पड़ेगा। लॉक करके जाना तो इसलिए पड़ेगा क्योंकि कोई नहीं है मेरे सामानों की रखवाल करने वाला, मुझे अपने सामानों की खुद ही रखवाल करनी है। खुला छोड़ के जाऊँ, कल को चोरी हो गया तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ कोई किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर जिम्मेदारी लेते लोग तो फिर एक घर के दो घर ना होते, अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ समझते। ठीक है, हम, मैं इसमें मैं भी आती हूँ, सब लोगों को लगता है मैं नहीं समझती, पर जब देखोगे ना सामने साकन, तो हर बार यही कोशिश करिए कि सब सही हो जाए, पर जब वो लोग चाहते नहीं हैं तो क्या मैं फिर क्या करूँ, लात घूसे खाऊँ। दिया है किचन भेज दिया है, और एक चादर पड़ी हुई है जिसको मैंने अभी नील दिया था, इसको आके जकड़ना है, कुछ बर्तन और साफ़ करने हैं। मैंने अभी झाड़ू निकाल ली थी पूरे बरामदे में, यहाँ से वहाँ तक झाड़ू निकाल दिया। बाल गोपाल जी मेरे यहीं पे बैठे हुए हैं, 5 मिनट में आती हूँ। क्योंकि है ना यहाँ थोड़ी सी जगह यहाँ पर साफ़ करके थोड़ा थोड़ा सा है ना किनारे किनारे पर कुछ पौधे वगैरह लगा दूँ, अच्छे लगेंगे। दो चार पौधे तो बोई दूँ। इधर गैलरी में भी लगा के रखे हुए थे मैंने, वो दो तीन पेड़ उसमें से उखड़ गए, दो तीन अभी हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी ना सफाई कर लेते, पहले आसपास की जगह साफ़ कर लेते। यहाँ पर सोच रही हूँ कि कुछ पौधे लगा दूँ, कुछ बोया भी था टावर में, उधर कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसी मिट्टी है। इधर ही कुछ हो जाएगा तो ठीक है, उस साइड बीच में था शायद, इस वजह से नहीं हुआ, बीच के हिस्से में बोया था। और अभी यहाँ पर देखते हैं पौधे लगाएंगे फूल वगैरह के, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खिला हुआ भरा हुआ अच्छा लगता है। पर क्या करें, अकेले के बस में से बाहर हो जाती है बात। फिर भी फावड़ा इतना बेकार हो रहा है कि खोदते हुए हाथ पैर दुखने लगेंगे, एकदम टूट हो रहा है, चलता नहीं है। पर फिर भी थोड़ी सी मिट्टी ना खोद लिया है, यहाँ पानी वगैरह डाल लेंगे। तो दो पौध जो है मैं लेके आई हूँ, इनको मैं सोच रही हूँ कि बो देती हूँ यहाँ पर, खाली खाली जगह है, एकदम सही रहेगा इसको, यहाँ को बो दे। इधर साइड में सारे मैं ही सोच रही हूँ कि फुलवारी वगैरह लगा दूँ, साफ पड़ा रहेगा, घास नहीं होगा, टाइम टाइम पे साफ़ कर दिया करेंगे। एक पेड़ हमने वो भी रखा है, उसके आसपास की जगह भी साफ़ करूँगी। बुरा लगता है मुझे भी, मैंने टावर वाले भैया को बोला था, उन्होंने बस स्प्रे करा दी। मैंने कहा इसमें पक्का जो करा दो भैया, आप इसमें पक्का करा दोगे तो बहुत चीज़ें सुधर जाएगी, इसमें इतना कच्चा पड़ा हुआ है, कच्चा है, घास बार बार उग जाता है। स्प्रे कराई उन्होंने कहने से, तो स्प्रे कराने के बाद बस घास मुरझाएगा ही तो ख़त्म तो नहीं होगा, जब तक यहाँ पर पक्का नहीं हो जाता टावर में तो ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी है उनसे ही मेरी बात करा दो, मैं उनको ही बोल दूँगी, यहाँ पक्का कराओ, बहुत गंदा कर रखा है। इन लोगों ने तभी शुरू में ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का कि यहाँ कच्चा पड़ा हुआ कितना गंदा लग रहा है, घास उग रहा है। अब हमारा तो काम नहीं है कि अंदर टावर में जाके भी हम ही साफ़ करें, ये लोग बस दवाई लगवा दी तो साफ़ हो गया, फिर से घास उग जाता है, दवाई से सूख जाता है, मुरझा जाता है, पर वो ख़त्म नहीं होता है। फिर पक्का कराओगे तो सही हो जाएगा, बाहर भी ये इतनी ईटी पड़ी है, अगर इधर बीत जाए
तो अच्छा हो जाए, पर वही है अकेले नहीं कर पाएंगे हम सारी चीज़ें। तो हम ये पौधा जो है ना अब यहाँ पे बो देते हैं अच्छे से, इसके चारों साइड मिट्टी दाब देते हैं, तो थोड़ा गड्ढा गहरा करके तब हम इसको लगा रहे हैं, और इसमें टाइम टाइम पर हम पानी देते रहेंगे जिससे ये मुरझाए ना। और एक इसके पास में है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है, उसके पत्ते जो है ना ख़राब हो रहे थे क्योंकि ऊपर से ना कबूतर पंछी वगैरह बीट वगैरह कर देते हैं पौधे, वो भी दे तो पंछी वगैरह सार ख़राब कर देते हैं, ऊपर से इतने पेट बीट वगैरह डालती है, कुछ भी ला के डाल देते हैं कौवे चील वगैरह, यहाँ तो बैठते हुए भी डर लगता है, ऊपर से कोई काबला गिर जाता है, कुछ कुछ भी गिर जाता है, मतलब डर लगता है आसपास में इसके रहने से भी, पता नहीं कौवे कहीं से कुछ भी उठा लाते हैं, और तो ऊपर टावर पे बैठ के नीचे आके पड़ती है, हड्डी वगैरह भी उठा के ला के डाल देते हैं। मेरा तो सच में इतना अजीब ख़राब हो जाता है, ये टावर क्या लगवाया है, घर का सत्यानाश कर दिया है, थोड़े से पैसों के लालच में ना बीमारी की जड़ घर में लगा लिया है। हम लोग ठीक ही नहीं रहते हैं उस दिन से, कुछ तो पहले ही ठीक नहीं थे, कुछ अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते। बस ये है कि सारे दिन बोलने से लोग बोलते हैं कि सारे दिन बीमारी के बारे में बोलती है, बीमारी बीमार और कुछ नहीं है, बस वीडियो में बीमारी और काम दो ही चीज़ बोलती है। जब आदमी को प्रॉब्लम होती है तो वही यही बोलेगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, जब ठीक होते हैं हम कब बोलते हैं कि हम बीमार हैं। तो थोड़ा समझना चाहिए, किसी का मजाक बनाना गलत बात है, स्वर को भी बुरा लगता है। तो यहाँ पे हम बो रहे हैं रात की रानी, जी हाँ रात की रानी की भी एक पौध लगा देते हैं। अब ये तो इसको भी पानी डाल देंगे कि अच्छे से उग जाए। गमला रखा हुआ है उसमें भी पौध लगा देते हैं, क्योंकि दो तीन पौध लेके आई है, एक डब्बा पड़ा हुआ है कलर का, उसमें भी पौध लगा देते हैं, दरअसल अच्छा हो जाएगा, ऐसे वेस्ट पड़ने प्लास्टिक वगैरह में ही तो जाएंगे, उनमें मिट्टी भर के उनको भी कामयाब कर देते हैं। और मेरा बस चले तो मैं पूरे घर में गमले ही गमले कर दूं, पर वही है ना गमले भी कहाँ अच्छे दिखाई देंगे ऐसे में, तो आदमी सही तरह चीज़ें दिखाई नहीं देती घास फूस में गंदगी में, तो और चीज़ें क्या दिखाई देंगी। और बस जितना बस चलता है उतना कर लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ की मिट्टी उखाड़ के हम जो है गमले में और डब्बों में डालेंगे तो उससे पौधा जो है ना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ रेतली मिट्टी है, रेतली मिट्टी में तो मुश्किल हो जाएगा होना। तो यहाँ पे गेंदे की प्योध जो है वो भी हम इसमें लगा देंगे, एक छोटी सी प्योध जो है ये ब्लू कलर की प्योध की अभी रह गई थी, जामनी सी है, ब्लू भी नहीं है जामनी सी है। तो यहाँ पर देखो दोनों मतलब डब्बे में और गमले में हमने पौधा लगा दिया, थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते हैं, उसको रख देते हैं, टाइम टाइम पर पानी देते रहेंगे, बस ये हो जाए एक बार अच्छे से, होनी मुश्किल हो जाती है, सूख जाती है या फिर किसी ने मतलब इधर उखाड़ दी तो फिर सब खराब हो जाती है सारी मेहनत। फिलहाल तो यहाँ रख हम प्योध लाए, वहीं से हम माधव के लिए फूल लेके आए थे, तो बोलिए राधे कृष्णा। तो हमने अपने माधव को आज बाहर चेयर पर बैठा के रखा हुआ है, भीतर है ना लाइट जाती है तो गर्मी लगती है, मच्छर लगने शुरू हो जाते हैं, तो सोचा कुछ टाइम के लिए बाहर भी बैठाना चाहिए। तो बच्चे जो है ना यहाँ पे गोपाल जी गिर्द गिर्द लग रहे थे, मैंने कहा हट जाओ सारे के सारे, क्यों इर्द गिर्द लगे हुए फूल ले रहे हैं, मतलब उनसे बात कर रहे हैं। तितली, एक तितली उड़ के आ गई गोपाल जी के पास, तो उसको वो छेड़ रहे, मैंने कहा बैठी रहने तो खुद से उड़ जाएगी, ऐसे हाथ नहीं लगाते मर जाएगी, पंखों को टूट जाएगी, तो एक मिनट में बेचारी जो है वो मर जानी है। तो अपनी यहाँ पे खड़ी हुई आइसक्रीम वाला जा रहा था, कह रहे मम्मी आइसक्रीम खा रही है, मैंने कहा नहीं हम नहीं खाते, जाने दो आइसक्रीम, अभी मौसम बदल हो रही है नुकसान देगी। तो फिर मैंने कहा रोज़ रोज़ ये चीज़ें नुकसान, जा रहे हैं डेयरी पर दूध लेने के लिए, शाम का टाइम हो गया है, दूध के लिए टाइम से ही चले जाते हैं फिर, वरना लेट हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि आप बहुत लेट हो जाते हो, दरअसल क्या है ना फिर वो भी इंतज़ार करते हैं बेचारे, उनको रखना पड़ता है, तो मैं थोड़ा टाइम से ही निकल जाती हूँ, फिर भी 15-20 मिनट जो है ना लग जाती है वहाँ पे, क्योंकि भीड़ भड़ाक रहती है, तो फिर कुछ लोगों के देना लेने का सिस्टम करना पड़ता है, दूध लेते भी हैं देते भी हैं, तो सबको देखना होता है डेयरी वालों को, तो फिर यहाँ पे 15-20 मिनट वहाँ वेट कर लेते हैं। घर से सब्जी छौंक के जाते हैं, गैस ऑफ कर जाते हैं, आके अपनी बना लेते हैं, कभी पूजा पहले कर देते हैं, कभी आके कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो आज खाने में बन रही आलू गोभी की सब्जी, तो यहाँ पे है ना कढ़ाई को रखने के लिए स्टैंड हटा लिया हमने, क्योंकि पन्नी जो है ना जल जानी है, तो स्टैंड पे रखेंगे। और वॉल पेपर हमने एक मंगाने के लिए बोल रखा है, देखिए कब तक आएगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी कनी रखी हुई है, मैं उसको है ना घी में भून के रख लेती हूँ,
शाम के टाइम दूध में डाल के खा लिया करेंगे, अगर याद रही तो। हमारे तो याद भी नहीं रहती है, भून के रख देंगे बस। उसको दो दिन की धूप दिखाई, हमने ना एक लोटा जो है ना दही जमा के रखी हुई थी, दही हमारी जम गई है, बिल्कुल चकासी जम रही है, एकदम ऐसे परफेक्ट दही जमी है, इतने मोटे मोटे गलोदार, बहुत अच्छी। तो कनी जो है थोड़ी सी बारीक कर ली है, छोटे इमाम जिस्ते में थोड़ी सी थी, थोड़ा सा ही काम था। उसको अभी है ना घी में फ्राई कर लेंगे। तो दही हमारी बहुत अच्छी जम रही है, दही भी हमें लेनी है तो सब्जी के साथ में ले लेंगे, थोड़ी सी बच्चों को भी दे देंगे और खुद भी ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें ना कनी भून रहे हैं, और इसको अच्छे से पहले भून के फिर ठंडा होने के बाद जो है ना डब्बे में डाल के रख देंगे। घी थोड़ा लग रहा था मुझे, और मतलब कनी तो है ना इतना घी पी लेती है कम से कम, इसमें और भी घी लगने वाला था, 5-7 चम्मच और लग जाता। हमने सोचा थोड़े से थोड़े में ही कर लेते हैं, भुन जाएगी इसी में अच्छे से। थोड़ा बारीक भी इसलिए करके रखा हुआ है, ज़्यादा बारीक भी करते हैं तो जल जाती है। मीडियम रखा हुआ मतलब हमने यहाँ पे। तो कायरो बाबू यहाँ पे खड़े हुए थे इधर से जंगले से निकल के, मैंने कहा ऐसे निकल के खड़े हुए हो, दूध भी रखा हुआ है, अगर जल गए तो हादसा हो जाएगा, पीछे हो जाओ यहाँ से, यहाँ पे क्यों खड़े हो। मैं सारे के सारों को डांट रही थी। और शाम के बर्तन साफ़ कर लेते हैं, खाना पीना कर लिया। रात में है ना यहाँ बहुत डर लगता है बर्तन साफ़ करते हुए, एक तो बल्फ नहीं है, ऊपर से अंधेरा है, और फिर यहाँ पर है ना अभी गर्मी गर्मी हमारे यहाँ पर जोंक निकल के आएंगी, बहुत पूरी गर्मी इतनी जोंक निकलनी है बहुत ज़्यादा। और जो जोंक निकलती है उनको अगर एक बार भी चिपक जाए तो वो गर्म चिमटे के बिना छुटती भी नहीं है, फिर नमक डालना पड़ता है। तो रात को जब मैं यहाँ काम करती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगा रहता है, अपना सूट वगैरह बड़े उससे ऊपर करके तब बैठती हूँ, कहीं एक बार भी चढ़ गई ना तो मैं ही ले मैं तो हमारी जाना है। तो यहाँ पे अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ बस, बच्चों को तो मैं इधर आने भी नहीं देती रात को, मैंने कहा उधर ही रहो तुम लोग चांदने में ही, क्योंकि आगे आगे जितनी गर्मी बढ़ेगी वो निकलेंगी, इतनी निकलेंगी कि चौकी पे आसपास की जगह में बगड़ में ऐसे घूमती फिरती दिखाई देती है, कि बिन चप्पल जूतों के फिरना भी मुश्किल हो जाता है, गर्मी में बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ पे। और वो होती है गंदगी में, और गंदगी तो यहाँ पे इतनी हो रही है कि बेहिसाब ही। तो कनी हमारी जैसे ठंडी हो गई है, अभी हमने एक डब्बा उठा लिया इसको ना, उसमें डाल के भी रख देंगे। और अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध निभाया, तो कभी चीनी का दे देते हैं कभी शक्कर का दे देते हैं, दोनों ही चीज़ों की आदत जो है मैंने उसको डाल के रखी हुई है। दरअसल जैसी आदत डालेंगे वैसी ही डलेगी, शक्कर चीनी का दोनों को पी लेना चाहिए। तो अपने लिए फिर थोड़ी सी कॉफ़ी हमें बनानी है तो वो भी कर रहे हैं, और कनी घालनी है तो सबसे पहले हम उसको चाय दे के अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाएंगे, क्योंकि हमारा है ना कॉफ़ी पी के थोड़ा सा मन ठीक हो जाता है, बिना कॉफ़ी के हमारे तबीयत जो है खराब चल रही है, ज़्यादा भी डाउन ऊपर नीचे 60 से नीचे, 60 से ऊपर नहीं जाता है, 60-80 बस इतना ही चल रहा है। हमने किताब धरी है वॉच, ये देखो कितना जंपिंग दांत है, कितना प्यारा दांत है। कह रहा आओ मुझसे कटवाओ, हमने देखे दांत कुछ कह रहा, दांत लग रहा है ना इसमें। हाँ जी जी अच्छा जी है जी क्या जी टकलू मकलू सा मेरे टकलू पकलू सा ओ अरे गुड मॉर्निंग, ओए ओए नींद आ रही क्या आज आई बढ़िया लेंद मैं रोज ना दोपहर में सोई बेटा इस टाइम लो वारी ना सोवे नुकसान देवे मैं छोटी प्याज करेगी आज मैं पेस्ट लगा दूंगा इधर टोपी नीचे चलो आँख खोलो केक केक केक
पेस्ट्री अंडे की थोड़ी ना नहीं अंडे की तो नहीं दो पीस की टू पीस आधे लाम पहले मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ मेरे बच्चे मांग रहे हैं।